चलो अनमोल शुरू करें। चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। आज 45वें नंबर श्लोक के अनुष्ठान का 10वां दिन 10th डे और खुद की बात, खुद की खुद से बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ सेशन का भी 10वां दिन, पम बीज अक्षर के जाप का भी 10वां दिन और तिथियों में तिथि भी 10वीं तिथि है आज दशमयाम। तो चलिए हम लोग दहाई वाले अंक में पहुंच चुके हैं और आज पूर्ण रूप से एकाग्र होकर और हम भगवान के अभिषेक पूजन पाठ शांति विधान करते हैं और ब्रह्मांडी ऊर्जा लेने की कोशिश करेंगे। सभी लोग अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, मंदिर जी में जाके बैठ जाइए। जिस जिन मंदिर में आप रोज जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, वहीं जाके बैठिए कल्पना में। और अभिषेक पूजन पाठ चल रहा है ऐसी कल्पना कीजिए और सभी लोग पूर्ण रूप से एकाग्र होके मन को निर्विकल शून्य की अवस्था में लेके जाइए। विचारों रहित अपने मन को कर दीजिए, सिर्फ आप और आपके सामने भगवान जी की प्रतिमा और शांति धारा, शीतलता देने वाली शांति धारा। और ऐसे ही शीतलता आप अपने मनों में लाइए, ऐसे ही विचार करिए कि हमें कुछ नहीं करना है, सब कुछ जो कुछ होगा हमें अच्छे कार्य करते जाना है, बाकी सब भगवान के ऊपर है, सब हमारे कर्मों की निर्जरा होगी और हमें सब कुछ मिल जाएगा, हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पर्टी और मोक्ष सभी कुछ हमें मिल जाएगा, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ऐसे विचार करिए, हमको सिर्फ अच्छे कार्य करते जाना है। कल तक के लिए रिचार्ज होने की कोशिश करिए। चलिए रमोरियंताणम रमो सिद्धाणम रमो ऐरियाणम रमो वज्जायाणम रमो लोए सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो शब्द पापक पलाशलो मंगलाणं च सभ्येतिं पळवमहवै मंगलं पळवमहवै मंगलं। द्रव्ये अनल्पघनता चतुरातमादै रामोद्वासित समत दिगंतरालै मिश्रीकृतेन पैसा जिन पुंगवानम त्रैलोक पावन महम स्मरणम करोमि। ओम नीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रतिभादी महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव आद्यानामादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते बैजापुर नामनी नगरी श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्य माघ शीर्ष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन गुरुवासरे मुनि यारिका श्रावक शाबिता नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। दूरा बनामृतुरनाथ किरीट कोटि सलाग्रात्र किरणा च विदूत राग्रिम
प्रभेदितापमल मोक्षमपि प्रकाशयेत् भक्त्या जलै दिनपतिं बहुधाभिषिञ्चे ओम ह्रीं श्रीमंतं भगवंतं कृपालतंतं प्रतिपादि महावीर पर्यंतं चतुर्विंशति तीर्थंकर परम विभमाद्यनामादे जम्बुदीपे व्रतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरी श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्य माघ शीर्ष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन गुरुवासरे मुनि आर्यका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलाभिषेक करोमि नमः। इष्टै मनोरथ ततैरि विभव पुंता पुनै सुवर्ण कलशै निखिलावधानम् संसार सागर विलंगन हेतु सेतु मपला वैत्रुनेक पते जिनेन्द्रम ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम प्रतिपादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशे तीर्थंकर परम देव माध्यानामादे जम्बुदीपे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ जी चैत्यालय मध्ये माघ शीर्ष मासे कृष्ण पक्षे तिथि दशम्याम दिन गुरुवासरे मुनि आर्यका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जलते करोमि नमः नमः नमः। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन चंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदु पल अर्घ लई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ मोजे जिन ग्रहे जिन ना अभिषेक महमजे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते चतुष्कलश जलाभिषेक करोमि अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा स्वाहा। चलिए इन्हीं शांत वातावरण में हम लोग शांति धारा करेंगे, मन में पूर्ण रूप से एकाग्रता बनाएंगे और शांति धारा में सहभागी बनेंगे। बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर दीजिए, पूर्ण समर्पण के साथ आज की शांति धारा करिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री बीतरागाये नमः। ओम नमो अरंते भगवते श्रीमते श्री पार्थी तंत्राये द्वादश गण प्रवेशताये शुक्ल ध्यान पवित्राये सर्वज्ञाये स्वयंभुवे सिद्धाये बुद्धाये परमात्मे परम सुखाये त्रिलोक मही व्याप्ताये अनंत संसार चक्र परिमर्दनाये अनंत दर्शनाये अनंत ज्ञानाये अनंत सुखाये अनंत वीर्याये त्रिलोक बंद कराये सत्य ज्ञानाये सत्य ब्रह्मणे धने पुणा मंडल मंडिताये ऋषि यारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाये घाती कर्म विनाशनाये अघाती कर्म विनाशनाये अब्बायाम मृत्यु। सर्वोपसर्गं
तर्विघ्नं तर्भयं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वराज्यभयं सर्वचोरभयं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वदुष्टमयं सर्वमृगभयं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वश्वासमारीं सर्वगोमारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वृक्षमारीं सर्वगुल्मारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वदेशमारीं सर्वविश्वमारीं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वेतालचाग्निभयं सर्वेदनीयं चिंचिंदे बिनबिन्दे सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् चिंचिंदे बिनबिन्दे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौर वीर शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेत खरवट मटबन पत्तन द्रोणामुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानंदनम कुरु कुरु सर्वदुःखं हनन दय दय पचपच कुटकुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितं अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत धन धान सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु भाष्यपूज मल्ली बर्जवर पुष्पदन शीतलनाथ मुनिशोभितनाथ नैमिनाथ पार्श्वनाथ तेभ्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकं श्री श्री संदीप कुमार जैन शेडोल संदीप कुमार जी जैन शेडोल इनको कुछ प्रॉब्लम है। इन्होंने भावना भाई है कि बहुत दिनों से प्रॉब्लम में समस्या में फंसे हुए हैं। इन्होंने भावना भाई है कि भगवान मुझे जल्द से जल्द छुटकारा मिले, मेरे निगेटिव कर्माज का क्षय हो और मुझे मुक्ति मिले। अब मैं ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मुझे परेशानी हो या मेरे निगेटिव कर्माज का संचय हो। ऐसी भावना भाई है, भगवान इनको जल्द से जल्द मुक्ति दे। रवि नादी महाराज हैं, गजपंथा में हैं। महाराज साहब हैं रवि नादी महाराज जी, गजपंथा में हैं। उनकी तबीयत खराब है। सभी लोग भावना भाई है कि जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले। एक मैसेज आया हुआ था, रवि नादी महाराज जी गजपंथा में विराजमान है तो उनकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो। ऐसी भावना हम सभी लोग बाते हैं। और उसी के साथ कुसुम जी जालन, जालन परिवार कोलकाता, शकुंतला जी जैन, अक्षय जैन, उर्मिल जैन, कोमल जैन एंड फैमिली गाजियाबाद, मधु जी एंड रवि जी काष्टिया मुंबई, उषा जी जैन, नेहा जैन, तानवी जैन गाजियाबाद, रसिक लाल जी पटवा, सुमित जी पटवा एंड यश जी पटवा, ब्रजमोहन जी गुप्ता, उनके लिए उनकी बेटी निधि गुप्ता ने भावना भाई है। हनुमान मल जी डागा जयपुर, इनके बेटी जो है नविता नाटा, इन्होंने भावना भाई है कि इनके पापा का जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले।
नविता जी हमारे आईवीएस सेंटर को बहुत दिनों से संभाले हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इतना धर्म लाभ करवा रही हैं सबको, उनके पापा को भी जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी भावना हम सब भी भाते हैं और वो निश्चिंत रूप से शांतिपूर्ण ढंग से सबको धर्म लाभ कराते रहें। इन्हीं सब भावना के साथ हमारे जो स्पीकर हैं, दोनों स्पीकर और हमारे आयोजन समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, भक्तांबर और आईबीएस परिवार के जितने हीलर्स हैं, संतोष जी अनमोल जी पाटनी और हमारे बॉर्डर में जो सैनिक हैं, देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, और जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और जुड़े थे, सभी के घरों में शांति स्थापित हो, शांति बनी रहे, ऐसी भावना हम भाते हैं। जय सिंह नीरज सुराना परिवार। हाँ, जय सिंह नीरज जी सुराना परिवार, प्रशांत कार्तिक केतन सुराना, प्रशांत जी केतन जी प्रशांत जी केतन जी सुराना, इनके परिवार की ओर से भी भावना भाई गई है कि इनके घर में शांति बनी रहे। इनकी मम्मी जी भी आई हुई हैं, उनके तरफ से भी हम भावना भाते हैं कि वो स्वस्थ रहें, और सभी लोगों की तरफ से भावना हम भाते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ हम सब लोग बोलेंगे, सभी लोग स्वतंत्र हैं, जोर से बोलिए, बिल्कुल अपने अपने कर्माज का क्षय करिए। श्री शांतिरस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यमारवमस्तु, सर्वेषां पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, दीर्घायुरस्तु, कुल गोत्र धनादि सदा संतु, सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अस्या उषा अनाहत विद्याय नमोरियंताणं रोम सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीं क्लीं क्लीमरं अस्या उषा अनाद विद्याय नमोरियंताणं रोम सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीं क्लीं क्लीमरं अस्या उषा अनाद विद्याय नमोरियंताणं रोम सर्वशांतिं कुरु कुरु संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य रज्ञा करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रः, करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्रः। अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुदुपल अर्घ लई, धबल मांगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे, जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे, जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते शांति धारा उपरांते श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में, श्री शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों में, महावीर भगवान के चरण कमलों में, चौबीसों तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों में अनर्घ पद प्राप्त है, अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चौबीसों भगवान का अर्घ बोलेंगे। ललिता दीदी नहीं दिख रहे हैं ना, चेक करिए अंकल, दिख रहे नहीं ललिता दीदी? हाँ, नहीं होंगे तो एक बार चेक कर लीजिए आप भी। प्रोग्राम होगा उनके यहाँ।
जल पल आटो तू कितार ताको अर्ज करो तुमको अर्पो बहुतार बहुतरी मोक्ष भरो चौबीसों की दिन चंद आनंद कंद कहीं पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम नीम श्री विश्वादी वीरांतेभ्यो अनर्क पद प्राप्ताये अर्गम निपामिति स्वाहा। चलिए घंटों तक लगा लेंगे पूर्ण भाव के साथ, अपने पांचों चक्राज में छाई हुई मलिनता को दूर करेंगे। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोत्कम बंदे कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम। चलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जय सभी के आह्वान के बाद हम दर्शन करते हैं। ओम नीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नीम अरम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। और अब हमारे इस पवित्र अनुष्ठान में सभी डायरेक्शन से हमको एनर्जी मिल रही है, सभी दिव्य आत्माएं हमारे पवित्र अनुष्ठान में शामिल हो चुकी हैं और हम इसी वातावरण में अब हम स्पिरिचुअल हीलिंग शारीरिक स्वच्छता की ओर चलते हैं। उसके बाद स्वाध्याय होगा 10-15 मिनट का, फिर भक्ति। इस प्रकार हमारा ये सेशन चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग समाप्त हुआ, दूसरे भाग की ओर चलते हैं, शारीरिक स्वच्छता। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। सब मिलके आज जय कहो श्री पार्श्व प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। सब मिलके आज जय कहो श्री पार्श्व प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। विघ्नों का नाश होता है लेने के नाम से, माला सदा जपते रहो श्री वीरा प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री पार्श्व प्रभु की। तुमको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है, तुमको भी अगर मोक्ष की इच्छा हुई है, महाव्रती बनो और जय कहो श्री पार्श्व प्रभु की। मस्तक झुका कर जय कहो श्री वीरा प्रभु की। सब मिलकर आज जय कहो श्री पार्श्व प्रभु की, मस्तक झुका कर जय कहो श्री शांति प्रभु की, श्री वीरा प्रभु की। नीरज आंटी मस्तक झुकाकर जय कहो श्री पार्श्व प्रभु की, श्री वीरा प्रभु की। सही में सत्सत वंदन नमन। चैता भारम बासम चक्रवर्ती महितियो संति संति करे लोए
पत्तो गई मणुत्तरम, पत्तो गई मणुत्तरम। पंच परमेष्टि को, सत सत वंदन, आराध्य को नमन। जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, सादर अभिवादन। संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धार्थन परिवार, श्री सम्य शिखर जी, श्री दिगंबर महिला जैन जैन महिला मंडल मुंबई एवं IVS हीलिंग सेंटर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, सादर अभिनंदन करती हूँ। इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर एंड सोल मेडिटेटर, मेडिटेशन क्वीन श्री अर्चना जी जैन, विनय जी जैन एवं संतोष पाटनी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बंधुओं, खुद की बात खुद के साथ तो चल ही रही है, पता नहीं इन सेशन में हमने अपने आप को कितना जाना। दुनिया को जान लो, लेकिन खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, तब तक दुनिया को क्या जाना। तो ये एक प्रयास अर्चना दीदी कर रही हैं, बहुत ही सफलतम प्रयास है, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है। और इसके साथ में IVS सीलिंग सेंटर हमेशा की तरह आपकी सेवा में उपलब्ध है। मैं अभी वापस फॉर्म का डिटेल आपको भेजूंगी और ये फॉर्म आप सर्कुलेट करिएगा। कल भी मैंने निवेदन किया था, क्योंकि लोग चाहते हैं हीलिंग लेना, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये माध्यम हम बने, आप सभी जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, उन्हें आप ये मैसेज फॉरवर्ड करिए। सिर्फ फॉरवर्ड ही मत करिए, मेरा तो आपसे निवेदन है कि उन सबको आप फोन करके भी बताइए कि इस प्रकार का एक हीलिंग सेंटर चल रहा है, जो एकदम निस्वार्थ और निःशुल्क भावना से चल रहा है। हम सिर्फ आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो आप सभी इस सेवा के कार्य में हमसे जुड़िए, आप सबसे निवेदन। तो चलिए चलते हैं अर्चना दीदी के पास, दीदी से निवेदन, आगे का सेशन प्रारंभ करें। थैंक यू निरंजनी, चलते हैं हम हमारे आज के, आज शाम के कार्यक्रम का भी आज लास्ट डे है दीदी, वो भी बता दीजिए। हाँ, आज पिंडस का ध्यान है, काफी दिनों से पिंडस का ध्यान नहीं हुआ है, तो लोगों का कहना है कि बीच बीच में कराते रहिए, तो आज जो है पिंडस का ध्यान ठीक 8 बजे स्टार्ट हो जाएगा। हमारा 2 दिन तक भक्तांबर बीजाक्षर और हीलिंग सेशन चला, और आज पिंडस्थ ध्यान सब बहुत लोग तो करे हुए हैं। इसमें जितना अधिक करोगे, उतने ही आपके कर्मों की निजरा होंगी। 1-1.5 घंटे का सेशन शाम का जरूर सभी लोग अटेंड करिए, जरूर करिए। शाम की लिंक डाल दीजिए इस पे, शाम की लिंक लोग मांग रहे हैं, शाम वाली लिंक डाल दीजिए नीरज आंटी। हाँ दीदी। और मैंने भैया बोलना शुरू कर दिया है। आदिनाथ भगवान की जय। 2 पद आदि प्रभु के चरणों में। भक्तांबर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्योदकम दलित पाप तमो वितानम। सम्यक प्रणम में जिन पाद योगम युगादा, वालं बलं भव जले पत तांजनाना। यह संस्कृत सकल वाङ्मय तत्व बोधा, दुत्भूत बुद्धि पटु भी सुर लोक नाथे। स्तोत्रै जगत्कृत चित हरे उदारे, स्तोषै किला हम पीतम प्रथमं जिनेन्द्रम। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि 108 गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नगर में विराजमान समस्त आरिका संघ की जय। जय जय हमारे सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा हमारे सभी पार्टिसिपेंट जो जुड़ रहे हैं, जुड़ गए हैं, जुड़ेंगे, और जो फेसबुक पे हैं,
सभी का आज के इस सेशन में खुद की खुद सी बात कॉस्मिक एनर्जी के साथ के सेशन में सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने देखिए आदिनाथ भगवान की फोटो आ रही है। आप लोग बैठ जाइए एकदम शांति से। देखिए आपके सामने आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ भगवान की प्रतिमा, ध्यान से देखिए। उनके दाहिने पैर के अंगूठे से एक व्हाइट कलर की एनर्जी निकल रही है। वो एनर्जी आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड से पूरे अपने नर्वस सिस्टम में लेनी है, लेनी है, लेनी है। जितने भी निगेटिविटी, दुख, दर्द, काय, क्लेश सभी आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हवा में विलीन होते जा रहे हैं। आदिनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन गोल्डन रश्मियां, किरणें निकल रही है। वो आपके अंदर समाहित हो रही है। वो सकारात्मकता, वो पॉजिटिविटी की किरणें आपके शरीर में समाहित हो रही है। असीम ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो चुकी, दिव्य ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो चुका है। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी दिख जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा कि तुझको एनर्जी मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान लगा, देखिए आपको एनर्जी मिल रही है। और इसी शुभ भावों के साथ चारों प्रकार के हार का त्याग करके हम प्रभु की माला दे देंगे 9 बार। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम हरम ऋषभनाथाय नमः। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम हरम ऋषभनाथाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं हरं 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 ऋषभनाथाय नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। चलते हैं अब हम आगे। आप लोग एकदम शांति से, जो सुबह का समय है यह भविष्य निर्वाण का समय है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। इसलिए सभी लोग एकदम अपने विचारों को खाली करके एकदम शांति से बैठ जाएंगे।
कॉस्मिक एनर्जी जो कि आपके कण कण में समाई हुई है, आत्मा से परमात्मा बनने की शक्ति जो आपके अंदर प्रस्फुटित हो गई है। आपको एक पिरामिड बनाना है, आपके चारों ओर चार बिंदु बना लीजिए और एक पांचवा सिद्ध भगवान का बिंदु आपके हाइट से डबल हाइट पर बनेगा। चारों भी कोने को आप जोड़ लीजिए, अनंत आचार्य उपाध्याय और साधु के चारों कोने आपके चारों साइड है, चार कोनों को जोड़ लीजिए, चार बिंदु। एक चारों ओर से चार लाइन ऊपर की ओर लेके जाइए ट्रायंगुलर शेप में, उसको ऊपर जोड़ दीजिए सिद्ध भगवान के पास और एक पिरामिड तैयार हो जाएगा। उस पिरामिड में सोचिए आप बैठे हुए हैं, आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। यह समय केवल आपका और आपका ही है। गोल घूम रहा है यार, ऐसा गोल गोल ही घूमने लगता है। यहाँ दबाव का इधर देखे ना, बहुत टाइम दे रहा है। अपने शरीर को एकदम विश्राम की अवस्था में लेके जाए। यह समय केवल आपका है। स्केयर बेस पिरामिड एक तैयार हो गया है आपका, जिसके अंदर आप हो और तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे।
अपना संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर लगाएं, एकदम शांत हो जाए। अपने मन और दिमाग से समस्त परेशानियों को निकाल दे, विचारों को निकाल दे, विचारों को रोक दे और संपूर्ण ध्यान अपने श्वासों पर लगाए। पिरामिड के अंदर आप बैठे हो, उस पिरामिड की कॉस्मिक एनर्जी को महसूस करिए जो कि आपके कण कण में समाहित हो रही है। अपनी ललाट पर एक बिंदु देखने की कोशिश करेंगे। और एक अपने आप से एक सवाल, अपनी आत्मा से आप बात करेंगे, मैं कौन हूं? मैं समय हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं अचल हूँ, मैं अकल्प हूँ, मैं अगम अगोचर हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं सर्वज्ञ स्वभावी हूँ, मैं आसरों से भिन्न हूँ, मैं विकल्प रहित हूँ, मैं अबंधक हूँ, मैं अनुदय हूँ, मैं अयोगी हूँ, मैं अभोगी हूँ, मैं अरोगी हूँ, मैं अभेदी हूँ, मैं अवेदी हूँ, मैं अच्छेदी हूँ, मैं अधा हूँ, मैं अक्लेद हूँ, मैं अखेदी हूँ, मैं असखा हूँ, मैं सबल हूँ, मैं अलमेशी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं आभासी हूँ, मैं अनारी हूँ, मैं अव्यवादत हूँ, मैं अनवगाही हूँ, मैं अगुल लगी हूँ, मैं अगुल लगू हूँ,
मैं शुचि हूँ, मैं पवित्र हूँ। मैं अपरिणामी हूँ, मैं अतीन्द्रिय हूँ, मैं अप्राण हूँ, मैं अयोनि हूँ, मैं असंसारी हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अपार हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं अव्यापी हूँ, मैं अनास्ती हूँ, मैं अनास्ती हूँ, मैं अकंप हूँ, मैं अविरोधी हूँ, मैं अनाश्रवी हूँ, मैं अलख हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं अलौकिक हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं चयानंद हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं मेरी साधना हूँ, मैं मेरी अर्चना हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ध्यान हूँ, मेरी किसी भी प्रकार की समस्या मेरी नहीं, सब शरीर की है। इस संसार की है, आपकी जरूरत आपकी नहीं, इस शरीर की है। आप जरूरतों से मुक्त हो। आप में कितनी ऊर्जा पिरामिड के माध्यम से कण कण में समाहित हो रही है, वो ऊर्जा की अविरल धार, वो ऊर्जा की अविरल वर्षा प्रारंभ है। और आप में कितनी शांति, कितना आनंद, सब कुछ आपके अंदर ही है। और एक सवाल, आखिर मेरा इस जगत में आने का लक्ष्य क्या है? सुख शांति समृद्धि मेरा लक्ष्य। जो कि मेरी आत्मा के लिए संभव है ये पाना। सारी चिंताओं को दूर कर दीजिए और अपनी मन की शांति पर ध्यान दीजिए। देखिए, थोड़ा अपने अंदर देखने की कोशिश करिए और अंदर जाइए और अंदर जाइए और अंदर जाइए। ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा आपके अंदर समाहित हो रही है, आपकी आत्मा को शीतल कर रही है। देखिए, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, आपका मन शांत हो रहा है, सभी समस्याएं आपकी दूर जा रही है, सभी प्रकार के डर आपसे दूर जा रहे हैं।
आपके अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, वो शांति की किरणें आपके अंदर दूध के भांति लहलहा रही है, समुद्र की तरंग के समान उछल रही है। आपके अंदर विशाल शांति का समुद्र, थोड़ी देर आप उस विशाल शांति के साथ रहिए, उससे सवाल जवाब करिए, एकदम शांति के साथ अकेले रहिए आप। कुछ समय के लिए इस विशाल शांति के साथ अकेले रहिए। और वो शांति की किरणें आपके सांसों के माध्यम से बाहर चारों ओर फैल रही है। आपके परिवार में शांति, आपके रिश्तेदारों में शांति, आपके समाज में, देश में, राष्ट्र में शांति। आप धर्म के सारथी बन गए हो, अंतर मन को जागृत करने वाले बन चुके हो, आप उत्तम पुरुषोत्तम बन चुके हो। स्वयं सुखी बनने तक सीमित न रहकर विश्व शांति के बारे में सोचने लगे हो। सारी ब्रह्मांड की शक्ति आपके अंदर समाहित हो चुकी, आपके कण-कण में पूरी शक्ति समाहित हो चुकी है। आप एक एनर्जेटिक पावरफुल ऊर्जा से भरपूर बन चुके हो। नमो अरिहंतानं भगवंतानं, नमो अरिहंतानं भगवंतानं, नमो तुनं। प्रकाशोहम प्रकाशोहम प्रकाशोहम। और इसी शांति की लहरों के साथ आप संपूर्ण जगत की स्वस्थता को चाहते हुए, सभी स्वस्थ रहे इस भावना के साथ 45 नंबर श्लोक की आराधना करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, स्वच्छां दशामुपगताश्रित जीविताशा, तत्पाद पंकज रजो मृत दीन देहा, मत्ता भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना,
दशा मुपगताशुत जीविताशा तत्पाद पंकज उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ मत्ताभवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना सोचाम दशा मुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजोमृत दीर्घ मत्ताभवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा मंत्रमय होना है हमें। चलेंगे हम मंत्रों की ओर। मंत्र हमें रक्षा ही नहीं सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, हमारी स्वरक्षा भी मंत्र ही करते हैं। आज हम जहां भी हैं मंत्रों के माध्यम से ही है। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा।
ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट निरोक्षणं शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग
मोक्षम नम शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणे रोग कष्ट जरोक्षम नम शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणे रोग कष्ट जरोक्षम नम शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते शुद्धोपद्रव शांतिकारिणे रोग कष्ट जरोक्षम नम शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं भगवते भयभीषण हराय नमः। चलेंगे अब हम रिद्धि की ओर। रिद्धि को हम संस्कार चक्र पे 9 बार, 9 बार मिडल चक्र पे और 9 बार नाभि चक्र पे बोलेंगे। नाभि चक्र के नीचे 2 चक्र पे जो हम हाथ रख रहे थे और मंत्र बोल रहे थे वहां हाथ रख के मंत्र नहीं बोलेंगे, उसको सिर्फ हम इमेजिन करेंगे कि हम बोल रहे हैं। तो चलते हैं अब हम हमारे रिद्धि की ओर। दोनों हाथों को अपने शीश पे रख दीजिए। ओम ह्रीं अरम नमो अखीर महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखीर महानशाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। दोनों हाथों को मिडल चक्र पे 9 बार रिद्धि। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। नाभि चक्र पे दोनों हाथों को ला लीजिए। 9 बार हम रिद्धि बोलेंगे। नाभि से नीचे हाथ रख के नहीं बोलना चाहिए ऐसा कल मुझे समझ में आया, तो अभी हमें तीनों ही चक्र पे 9-9 बोल रहे हैं। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरम नमो अखिल मानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम रम नमो अखिल मानसाणम झुम झुम नमः स्वाहा। बोली देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। चलेंगे अब हम हमारे पंप बीजाक्षर की ओर। आपके सामने पंबीजाक्षर आ रहा है जो कि बहुत ही शक्तिशाली पंबीजाक्षर है। कई रोगों को पंबीजाक्षर कार्यकारी हो रहा है, कई रोगों को ठीक कर रहा है। बहुत ही पावरफुल बीजाक्षर। येलो कलर की माला आप अपने हाथ में ले लीजिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। Thank you.
पम 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 पम
पम पम पम पम पम खत्म हो रहा है और हम अब चलते हैं आध्यात्मिक
सेशन की ओर। शारीरिक मानसिक सेशन के बाद हमें आध्यात्मिक स्वस्थता की ओर चलना है। बोलिए दादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हम सम्यक दर्शन की चर्चा में कर रहे हैं, चर्चा को हम समझ रहे हैं सम्यक दर्शन की, कि सम्यक दर्शन कैसा है। अष्ट अंग सहित और 25 दोषों रहित सम्यक दर्शन है, जिसमें हमने 3 मूर्ता देख लिए। अब हम जो देख रहे हैं 25 दोष में 8 मद की बात हमारी चल रही है। आठ मद जिसमें हमने ज्ञान मद, पूजा मद देख लिए, जाति का देख लिए, कुल का देख लिए। अभी आज हम जो देख रहे हैं वो रिद्धि मद। रिद्धि मद यानी इसको दौलत राम जी ने रिद्धि मद को धन मद भी कहा है। आज जो हम देख रहे हैं वो रिद्धि मद देख रहे हैं, धन मद। थोड़ा पुअर कनेक्शन है, घूम रहा बहुत, नहीं देख। रिद्धि मद यानी धन का मद। आचार्य संबंध भद्राचार्य जी ने रिद्धि मद का उपयोग किया है और दौलत राम जी ने अपनी छेड़ाला में धन मद का उपयोग इसे करके बताया है। रिद्धि का अर्थ ही होता है धन संपत्ति वैभव। रिद्धि का मतलब धन, यहाँ पर जो है रिद्धि मद उसमें। तो यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानी को रिद्धि का यानी धन संपत्ति पाने का कोई कोई गर्व नहीं होता है। गर्व यानी घमंड, मैं धनवान हूं, मेरे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। क्या है? मेरे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है। बल मत के बाद हम रिद्धि मत, रिद्धिधारी होने पर दूसरों को ये दिखाना कि मेरे चरण पड़ने पर दुर्भिक्ष रोग महामारी भाग जाते हैं, ऐसा रिद्धि का मत, धन का मत। तो यहाँ पर क्या बता रहे कि मैं धनवान हूं, क्या बोल रहे हैं कि मैं धनवान हूं, इसका घमंड करना, धन का अहंकार करना। मेरे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, मेरे पास इतनी जमीन जायदाद है, इस नगर में मेरे समान धनवान कोई दूसरा नहीं है, बड़े बड़े व्यापारी भी मेरे पास कर्जा मांगने के लिए आते हैं। करोड़ों के हीरे जवाहरात सोनी चांदी से पूरा मेरा लॉकर भरा है, क्यों किसी के आगे झुकूं? बड़े बड़े लोग तो मेरे पास आते हैं कर्जा मांगने। ये धन का मद, सम्यक दृष्टि को ये धन का मद नहीं होता। सम्यक दृष्टि धन आदि के परिग्रह को महाभार समझता है कि ये बहुत भार है, और वह ये विचारता है कि ऐसा दिन कब आएगा जब मैं समस्त परिग्रह के भार को छोड़कर
अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा, वो दिन कब आएगा कि मैं अपने आत्मिक धन की संभाल करूंगा, मैं कब ये धन धान्य से मुक्त होऊंगा, कब ये ग्रह में छोड़ूंगा। यह धन परिग्रह का भार, महाबंधन का भार समझता है वो। एक बहुत अच्छी भजन में आता है, कब ग्रह त्याग हो एकाकी, लिए लाल सावन की ओ, कब ग्रह त्याग हो एकाकी, लिए लाल सावन की, ऐसी दशा हो ये कब मेरी, हो बलि बलि वाचन की, दुविधा कब जाइए जामन की, दुविधा कब जाइए जामन की। हमारी दुविधा है ये मन की, ये धन के बिना तो चलता भी नहीं है, और सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति करना है, ग्रह भी त्याग करना है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी भी है, वन में घूमने की लालसा भी है, अब ऐसी दशा में क्या करें। और वो बली बली क्षण कब आएगा, जब मैं मुनियारी का बढ़ के विचरू, बड़ बड़ करू विहार रे, वो दिन कब आएगा जब मैं मुनियारी का बन के विचरू। आत्मिक धन की संभाल कर, यह धन परिग्रह का भार महाबंधन है, राग देश भय संताप शोक क्लेश बैर हानि महाआरंभ का कारण है, मद उत्पन्न कराने वाला है, और दुख रूप दुर्गति का बीज भी है। क्या है? दुख रूप दुर्गति का भूल बीज भी है, परंतु क्या करें, जैसे कफ में पड़ी मक्खी, कफ रहता ना हमारे गले का कफ, यदि उसको बाहर थूक दो आप, तो उसमें जब मक्खी बैठ जाती है तो वो अपने को उससे निकालने में समर्थ नहीं है। कफ में पड़ी मक्खी अपने को उससे निकालने में समर्थ नहीं है, जिस प्रकार कीचड़ में फंसा हुआ वृद्ध अशक्त बेल है, वो कीचड़ में फंसा हुआ है, वो वहां से अपने को निकालने में समर्थ नहीं है। दलदल में पड़ा हाथी अपने को निकालने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार मैं भी इस धन कुटुंब आदि फंदे में से निकलना तो चाहता हूं, किंतु क्या करूं, आसक्ति धन में राग, राग का प्रबल उदय है, प्रबल उदय के कारण निर्वाह होने की कठिनता दिखाई देने से हृदय कांपता है। ऐसे अपमान भयादि कराने वाले परिग्रह के बंधन से बाहर निकलना तो चाहता है यह जीव, उसकी इच्छा तो है, पर क्या करें, पराधीन। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इस पराधीन विनाशिक दुख रूप संपत्ति का गर्व नहीं करता, इसके संयोग होने से सम्यक दृष्टि जीव को तो शर्म आती है, उसको लगता है मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर ज्ञानी होकर भी इस धूल समान लक्ष्मी को नहीं छोड़ रहा हूं, इसके समान मेरी और क्या निर्लज्जता हो सकती है और क्या हानि हो सकती है। और क्या हीनता हो सकती है, ऐसा सम्यक दृष्टि विचारता है।
क्या विचारता है सम्यक दृष्टि? कि मैं इसके समान मेरी कोई निर्लज्जता नहीं, यदि मेरे पास धन है तो, यदि साधु के पास धन है तो नरक का कारण, और मनुष्य के पास नहीं है तो नरक का कारण। मनुष्य जब तक संसार में है तो उसकी धन की जरूरत तो है, लेकिन उस पे मत मत करो, घमंड मत करो, अहंकार मत करो कि मेरे पास इतना धन है, मैं इतना वैभवशाली हूं, लोग मेरा मान सम्मान करें। भैया ए भाई, हे ज्ञानी आत्मा, इतना तो विचार कर, कौन से धन का अहंकार कर रहा है? उस चंचलता लक्ष्मी पर गर्व कर रहा है जिसे वेश्या कहा जाता है, लक्ष्मी को? क्यों, सरस्वती तो कंठ में विराजमान होती है, बैठी रहती है, लेकिन लक्ष्मी जी खड़ी है। ध्यान करिए, सरस्वती बैठी है और लक्ष्मी खड़ी है, और लक्ष्मी कैसी है? पुण्य की भागी है। वो लक्ष्मी जी क्या कहती है? लक्ष्मी को वेश्या कहा गया है, पुण्य की भागी है लक्ष्मी। वो कहती है, कोई मैं बड़े बड़े विद्वानों के पास, बड़े बड़े पंडितों के पास, बड़े बड़े धनवानों के पास वो कुछ रहना नहीं चाहती। वो लक्ष्मी कहती है, जिसका पुण्य है, जो पुण्यवान है, मैं पुण्य की भागी हूं। ना धनवान के पास, ना विद्वान के पास, मैं तो पुण्य की मारी हूं, मैं तो पुण्यवान के पास रहती हूं। खड़े खड़े चल देती है, छंद में राजा छंद में रंग। आज किसी के पास तो कल किसी और के पास चली जाती है। पुण्य का उदय हुआ सो आज तुम धनवान हो गए, परंतु अहंकार में सिद्धांत को क्यों भूल रहे हो? जो पुण्य परमाणु तुम्हारी सत्ता में विराजमान थे, उनका उदय हो गया और वो फल देकर समाप्त हो जाएंगे। सूर्य का उदय भी होता है और वह नियम से अस्त भी होता है। आज पुण्य का उदय हुआ है तो कल अस्त भी होगा। आज धन का वैभव का सद्भाव है तो कल नियम से अभाव भी होगा। पुण्य के उदय से धन मिला, वैभव मिला, रिद्धि संपन्न मिली, लेकिन उसकी आपको संभाल करनी होगी। पुण्य का उपयोग नहीं कर पाया, उस पुण्य में पुण्य नहीं कमा पाया तो खाली रह जाओगे। आपको पुण्य के उदय से सब मिला है, अति पुण्य उदय मम आया। आपका पुण्य का उदय आया है, पुण्य को पुण्य में खर्च करिए तो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा। यदि आपने पुण्य को पाप में खर्च कर दिया, वो धन लक्ष्मी सप्तवचन में खर्च कर दी, तो एक दिन वो भी छूट जाएंगी और पुण्यानुबंधी पाप का फल आपको लग जाएगा। आज तो आप अहंकार कर लो, कल क्या करोगे? ध्यान रखना, आचार्यों ने कहा है, अहंकारी जीव कभी परमात्मा के चरणों में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि परमात्मा के चरणों में झुकने के लिए अहंकार की आवश्यकता नहीं है। विनय, विनय, अहंकार नहीं होना, विनय होना। साथ ही मोक्ष का द्वार इतना सकरा है कि उसमें एक के इखलाते अहंकार करते गर्दन ऊपर हो, बिल्कुल छाती तान के, बिल्कुल सीना तान के इखलाते हुए आप जाओगे तो नहीं जा सकते मोक्ष के द्वार में।
सांप कितना भी आड़ा तिरछा हो और वो सर्प जब अपने बिल में घुसेगा तो उसको सीधा सहज सरल बन के ही घुसना होगा। इसी प्रकार मोक्ष के द्वार में आपको जाना है तो सहज सरल अहंकार छोड़कर ममकार छोड़ के ही घुसना होगा। चामुंड राय ने गोमतेज की इतनी विशाल मूर्ति का निर्माण कराया। जब 12 वर्ष में मूर्ति बनकर तैयार हुई तो चामुंड राय को अहंकार आ गया कि इतनी विशाल प्रतिमा का निर्माण जो 52 गजा में है, श्रवण बेलगोला में है। चामुंड राय को अहंकार आ गया कि इतनी विशाल प्रतिमा मैंने बनाई, मैंने निर्माण किया। तो उसने क्या कहा कि प्रथम अभिषेक मैं करूंगा। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा प्रतिमा की प्रतिष्ठा हुई और जब महामस्तभिषेक का समय आया, जो कि 12 साल में एक बार होता है, जब महामस्तक अभिषेक का समय आया तो चामुंड राय प्रथम कलश लेकर पहुंच गया। पर ध्यान रखना, धन के अहंकार को उस कलश में भर कर ले गया था तो आज हजारों कलशों से भी अभिषेक कर डाला तो भी पूरा अभिषेक नीचे तक नहीं हो रहा था, चरणों तक। अहंकार ने उस जल को चरणों तक नहीं पहुंच पाया, वो अहंकार का जल लेके गया था कि मैंने इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई। सब आश्चर्य में पड़ गए, जल चरणों तक क्यों नहीं पहुंच रहा, क्यों नहीं आ रहा। परंतु जैसे ही एक श्रद्धा से भरकर बुढ़िया अपनी छोटी सी लुटिया को जल लेकर आई और गोमतेज का सर्वांग अभिषिक्त हो गया। छोटी सी लुटिया से उसने जैसे ही अपनी लुटिया से जल डाला और सर्वांग अभिषिक्त हो गया पूरा। तो यहाँ क्या था, यहाँ अहंकार नहीं थी, यहाँ श्रद्धा था। इसलिए ध्यान रखना भैया, धन का मत करना, ये मत तुम्हारे सम्यक को मलिन कर रहा है। यदि हो मंजूर धन रक्षा, दो लाइन याद आ गई, यदि हो मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, यदि हो मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी, कुएं से जल न निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। दिया जल हमको बादल ने, हुआ ऊंचा ही बादल है, रहा नीचा ही सागर है, अदत्ता को परेशानी। कोई धन दे करके मरता है, कोई मर करके देता है, और जरा से फर्क से बन जाते हैं ज्ञानी से अज्ञानी। सोच लीजिए, हाथ लगा के देना है धन को कि हाथ छोड़ के देना है, सोच लीजिए, विचार करिए। ज्ञानी जीव इसका अहंकार नहीं करता, वह तो आत्मविभूति को निहारता है। जिसके पास अनंत चतुष्टय है, जिसके पास अनंत चतुष्टय है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, उस वैभव का आप घमंड करो, उसका गर्व करो कि अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख की मुझे प्राप्ति होए, वह अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी की मुझे प्राप्ति होए, वह पुद्गल के टुकड़ों को दूर से ही छोड़ देना चाहता है ज्ञानी जी, उसका वह अहंकार नहीं करता। हमारे अंदर जो धन है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत रूप, अनंत वीर्य, चार चतुष्टय के धारी उस धन संपदा को निहारता है ज्ञानी जीव, और हमें भी उसी को निहारना चाहिए। हमने साक्षात अभी अभी रामायण देखा है, देखे है ना अभी अभी रामायण, क्या देखा रामायण में, क्या देखा रामायण में,
रावण ने सीता को कितने बार अपने वैभव का परिचय दिया था कि मैं तीन खंड का अधिपति हूँ, तीन खंड की संपत्ति मेरे पास है, मैं उसका स्वामी हूँ, स्वर्णमय लंका का स्वामी हूँ और तुम्हें मैं पटरानी बना के रखूंगा। परंतु सीता जी की दृढ़ता को देखा आपने, जरा सा थुन भी तलवार बन गई थी, छोटा सा थुन उठाई थी उसने और तलवार बन गई थी। रावण का सारा वैभव सीता जी की दुर्दशा के आगे सब विलीन हो गया, हमने उसको विलीन होते देखा है। कहां स्वर्णमयी लंका के वैभव भोग रहा था और आज रावण कहां पे है, आज नरकों की वेदना को सह रहा है। सोचिए कहां स्वर्ण की लंका के सुख और कहां नरकों के दुख। भैया ये धन वैभव तो तुमने पूर्व में जो सुपात्र रूप दान पुण्य किया था उससे, उस पुण्य से तुम्हें मिला है, बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से ये देव मानव की मिली और ये धन भी जो मिला है ये भी आपके अति पुण्य के पूरब के फल से ही प्राप्त हुआ है। पूरब में आपने इतना दान पुण्य किया था कि आज आपको ये सब मिला है, उसके मुकाबले आज इस समय हम 1% भी कुछ नहीं कर रहे, तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। पूर्व के पुण्य के उदय से हमें सब मिला है, किसका अहंकार हम कर रहे हैं, किस बात का बासी खा रहे हैं हम। एक बहुत अच्छी कहानी भी आती है, अभी नहीं सुनाऊंगी, लेकिन ज्यादा बड़ा हो जाएगा, टाइम हो रहा है। बासी खा, उसकी माँ हमेशा बेटे को कहती बासी खा रहा है। वो सोच में पड़ गया कि माँ मेरी ऐसा क्यों कहती है। पूर्व पार्जित पुण्य के उदय से जो धन मिला था वो उसी का उपयोग कर रहा था, स्वयं नहीं कमा रहा था। तो हमेशा माँ अपने बेटे से कहती तू तो बासी खा रहा है। वो ताजी रोटी उसके थाली में रहती और माँ कहती तू बासी खा रहा है। वो सोच में पड़ जाता था कि मैं तो ताजी रोटी खाता हूँ, माँ कहती बासी खाता है। पूर्व पार्जित पुण्य के उदय से हमें ये धन मिला हुआ है, उस धन का वो खुदगल का कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरा को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है। कंकड़ पत्थर को गले लगा रहे और हमारा अनंत चतुष्टय रूपी धन, उसकी तरफ तो हम देख ही नहीं रहे हैं। बहुत ही अच्छा संवाद 2 मिनट में सुना के आपको ये करूंगी मैं खत्म। रावण और सीता की आज बात निकली तो सती व्रत पालन सीता रानी, हे बहन ध्यान दे उसकी सुनो कहानी, हे बहन ध्यान दे उसकी सुनो कहानी। क्या कह रहा है रावण? छल बल कर रावण उसे ले गया हर के, छल बल कर रावण उसे ले गया हर के, दिखलाया लालच वचन मनोहर कह के। क्या करा? वचन मनोहर करके उसने क्या किया? लालच दिखलाया। मैं तीन खंड का पति राजा हूं, मैं नामी सुरपति समान विद्यावत का हूँ स्वामी। क्या हूँ मैं? तीन खंड का अधिपति। हे इंद्रपुरी सम मम लंका, है इंद्रपुरी सम मम लंका राजधानी, क्यों भूमि गोचरी राम रंक समझानी। भूमि गोचरी राम के संग क्यों जा रही है और क्यों उसके पास जा रही हो? मैं सब विद्याओं का ईश
काम सम सुंदर, क्या बोलगा, मैं सारो विद्याओं का ईश हूँ, कामदेव समान सुंदर हूँ, तुम बनी सर्व सिर मोर मेरी पटरानी, तुम सबसे सिर के ऊपर पटरानी बन के रहोगी। कितना लालच अपने बोल का, कितना लालच दे रहा है सीता को रावण, फिर भी वो मेरु समान सीता क्या कहती है, आगे हम सुनेंगे क्या कह रही है सीता जी आगे। तब कहा सियाने, क्या कहा सियाने, तब कहा सियाने पापी क्यों बकता है, क्या कह दी सिया ने उसको, लंका का महाअधिपति, और उसको सिया कहती है कि पापी क्यों बकता है, पर की स्त्रिया लंपट क्यों अधर्म करता है, पर की स्त्री को क्यों हर रहा है, लंपट लंपट कह दी, पापी कह दी, मुझे मान सुमेरु क्या कभी दिखा सकता है, मुझे कभी सुमेरु पर्वत भी आकर दिखा नहीं सकता, नहीं अचल पतिव्रत किला भेद सकता है, उसका किसका किला था, पतिव्रत का जो किला था वो अचल था, उसे भेद नहीं सकता, क्या कह रही है, नहीं अचल पतिव्रत किला भेद सकता है, जा चला जा सामने से पापी अभिमानी, क्या कह रही है सीता जी, जा चला जा सामने से पापी अभिमानी, तू जो मनुष्य है सुरपति भी यदि आवे, क्या कह रही, तू तो मनुष्य है सुरपति भी आवे, क्या ताकत मुझे मेरे व्रत से मुझे डिगाने की, क्या ताकत मुझे मेरे व्रत से डिगाने की, तू तो मनुष्य है, कोई इंद्र भी आ जाए तो मुझे मेरे व्रत को भंग करके नहीं डिगा सकता, इतना दृढ़ता सीता जी के अंदर। ठुकरा दूंगी मैं भी जगत की संपत्ति को, विपदाए लाखों झेलूंगी हर सीता को, हरी पूरी पूरी विपदाए में झेल लूंगी, दे दूंगी जीवन दान धर्म हित ठानी, उसने धर्म के खातिर जीवन भी दान दे दूंगी, ऐसा उसने धर्म के खातिर सीता जी ने ठान ली थी। हे एक राम जी मेरे तन मन के स्वामी, राम जी मेरे तन मन के स्वामी है, तू रंग दास सम उन सन्मुख कामी, तू तो कामी है, काम वासना वाला है, कैसे रावण को बोल रही है सीता जी, देखो धिक्कार तुझे, देखो क्या कर रही है, कहती है तू रंग दास सम उन सन्मुख कामी, उनके सामने तू कामी है तो उसके धिक्कार रही है, कैसे धिक्कार रही है, धिक्कार तुझे सौ बार, क्या कह रही है, धिक्कार तुझे सौ पाप पाप के मंडल, धिक्कार तुझे सौ बार, धिक्कार तुझे सौ बार पाप के मंडल, अपने मुंह से बनता तू हाय पुरंदर, तू अपने मुंह से पुरंदर भले ही बनते जा, नहीं आती तुझको अरे अज्ञानी, यदि थोड़ा भी आगे पैर बढ़ाया तूने, यदि थोड़ा भी आगे पैर बढ़ाया तूने, यदि मम शरीर को हाथ लगाया तूने, यदि मम शरीर को हाथ लगाया तूने, यदि मम शरीर को हाथ लगाया तूने, दृढ़ आत्म तेज की ज्वाला प्रबल जलेंगी, दृढ़ आत्म तेज की ज्वाला जब
दृढ़ आत्म तेज की ज्वाला प्रबल जलेंगी, तू हो जाएगा भस्म ना देर लगेगी, तू हो जाएगा भस्म ना देर लगेगी। और सुनिए आगे जी सीता जी और क्या कह रही है, सोने की लंका होंगी खात समानी यदि अपनी जान तुझे है पारी, सोने की लंका क्या होंगी खाक हो जाएंगी खाक समानी यदि अपनी जान तुझे है प्यारी, और सौभाग्यवती रखना मंदोदरी रानी, यदि तुझे सौभाग्यवती रखना है मंदोदरी को, तू मेरे पति के पास मुझे पहुंचा दे। कैसी विनती कर रही है, तू मेरे पति के पास मुझे पहुंचा दे, तू के सोच इसी में अपनी खैर मना ले, तेरी खैर किस में है, मुझे पति के पास पहुंचा दे इसी में है रावण तेरी खैर है, तू के सोच इसी में अपनी खैर मना ले, बात वत्सल्य नहीं होंगी, बात वत्सल्य कुछ नहीं होंगी मान प्राण की हानि। क्या कह रही है, बात वत्सल्य कुछ भी नहीं होने वाली है प्राण की हानि ही होंगी, हे बहन ध्यान दे उसकी सुनो कहानी, हे बहन ध्यान दे उसकी सुनो कहानी, बात वत्सल्य नहीं होंगी मान प्राण की हानि, हे बहन ध्यान दे उसकी कहानी। कैसा भगाया रावण, कैसा धिक्कारा सीता जी ने रावण को, अपनी खैर मना ले तू यहाँ से भग जा, नहीं तो क्या क्या नष्ट होने वाला है, सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर बखान कर दी सीता जी ने। क्या हुआ, कितना घमंड था, कितना अहंकार था रावण को, छन में सब नष्ट हो गया, छन में राजा, छन में नर, कहाँ लंका के सोने के सुख और कहाँ आज नरक के दुख। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव जो रहता है वो अपने धन पे अहंकार नहीं करता, यदि हो मंजूर धन रक्षा तो धनवानो बनो दानी, कुएं से जल न निकलेगा तो बन सड़ जाएगा पानी, दिया जल हमको बादल ने, दिया जल हमको बादल ने तो हुआ ऊंचा ही बादल है, रहा नीचे ही सागर है अदत्ता को परेशानी, नहीं देने वालों को परेशानी, रहा नीचे ही सागर है अदत्ता को परेशानी, कोई धन दे करके मरता है कोई मर करके देता है, और जरा से फर्क से बन जाते हैं ज्ञानी से अज्ञानी। तो सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, हमें हाथ लगा के दान करना है या क्या करना है, या हाथ छोड़ के करना है, हमारे बाद तो होने ही वाला है दान, दान तो बोला ही जाता है बाद में, इसलिए विचार करिए। सम्यक दृष्टि जीव कभी इसका मान सम्मान गर्व घमंड कुछ नहीं करता है, तो हमें भी विचार करना है, हमें भी सम्यक दृष्टि के पथ पर चलना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, तो हमें जितनी जरूरत है उतना तो हम जरूरी अवश्य ही कमाए गमाए भोगे, भोगो उसको रखो मत, जितना कमा रहे हो क्या उतनी भोगने की व्यवस्था है, ना कोई साथ में ले जाने की व्यवस्था है, ना कोई साथ में भी ले जाने की व्यवस्था नहीं है, कमाओ खूब भोगो खूब ऐश करो खूब खाओ पियो खूब दान पुण्य करो खूब सबको दो अपने हाथों से दो, क्योंकि काल की चपेट आएंगी तो ये सारी चीजें एक पल नहीं लगेगा और निकल जाएंगी। लक्ष्मी जी खड़ी है, सरस्वती कंठ में बैठी रहती, लक्ष्मी जी खड़ी रहती है, जब लगा तब वो चल दी, पुण्य की भागी है, आज इस घर तो कल इस घर, तो हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारी भी धन की आसक्ति कम होए, जितना जरूरत है उतना हम निश्चित ही उपयोग और उपभोग करें, इसी सुंदर सी हमारी भावना के साथ
इसी हमारे सम्यक दर्शन बनने की भावना के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय जय। छोटा सा प्रतिक्रमण। हे अरविंद प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, कृतकार्य तनुमोदना द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, इस जन्म में या पूर्व जन्म में सच्चे देव गुरु शास्त्र की अभिनय हुई हो, विराधना हुई हो तो मुझे क्षमा करे तथा एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, उनके शरीर में मेरे वजह से आदिवादी पहुंची हो तो मुझे क्षमा करे। आज के इस नए अनुष्ठान के साथ नया दिवस आज आपने हमें दिया, इसलिए हे प्रभु कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। तथा आज के इस स्वाध्याय में, पूरे सेशन में, पढ़ने पढ़ाने में, करने कराने में, समझने समझाने में मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की शब्द अक्षर काना मात्रों की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। जब तक मेरा शरीर सबल है तब तक अंतिम श्वासों तक मैं आपकी भक्ति करती रहूं। मेरा हृदय सदाई तेरे चरणों में और तेरे हृदय तेरे चरण सदाई मेरे हृदय में रहे। इसी मंगल भावना के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, परम शास्त्र स्वरूप हम, परम स्वास्थ्य स्वरूप हम, परम स्वास्थ्य स्वरूप हम। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। जय जय। एक भक्ति करते हैं आज। हाँ, एक मिनट दीदी, ज्योति जी हीलिंग की रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक भेज चुकी हूँ मैं, वापस एक बार भेज देती हूँ। और सीमा जी का मैसेज है यूएसए से, उन्होंने ऐड करने को कहा है लेकिन आपका उसमें व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मैंने चेक किया है, तो आप प्लीज व्हाट्सएप नंबर भेजें ताकि मैं आपको ऐड कर पाऊँ। हाँ दीदी, कंटिन्यू करें। बहुत ही सुंदर सेशन रहा, जब आप बोलती हैं तो ऐसे लगता है कि सुनते जाए सुनते जाए, और पता ही नहीं चला कि कब 8:30 बज गए हैं। तो दीदी भक्ति का टाइम आज ज्यादा हो गया, एक कर लेते हैं भक्ति की एक्सपीरियंस ले, बोलो जी। दीदी मैं ना थोड़ा सा ये करके लीव हो जाऊंगी 5-10 मिनट में, दीदी आपको होस्ट बना के, ठीक है? आप मुझे को होस्ट बना दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, भक्ति करना है क्या? चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या करना है, एक्सपीरियंस क्वेश्चन आंसर ले ले। चलो एक भक्ति कर लो, चेंज हो जाएगा आज, बहुत दिन हो गए। क्या हो गया रे नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयरियाणम्, नमो
च सप्रसिं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम् Thank you.
Ramana Mom
चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू, सब लोगों ने बहुत भक्ति की। किसके हैंड रेज है आज? हैंड रेज, बोलिए। म्यूट नहीं हुआ। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। नीरज दीदी को अनुमोदना, आपको बहुत बहुत अनुमोदना। दीदी आपका सेशन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतनी एनर्जी मिलती है कि क्या बताएं। दीदी मैं एक बता रही थी, एक मेरी फ्रेंड है जिनको मैंने 28 तारीख को ये लिंक दिया था अपना वाला। आवाज आ रही है मेरी? हाँ
हाँ ये लिंक दिया था मैंने मेरी फ्रेंड को 28 तारीख को, जब वो बैठ नहीं पा रही थी, उनकी मतलब स्लिप डिस हो गई थी, बिल्कुल नहीं बैठ पा रही थी, बहुत दर्द से परेशान थी, तो मैंने लिंक दिया तो प्रार्थना दीदी से उसी दिन उनको हीलिंग मिल गई। और कल उनका फोन आया था क्योंकि उनने मुझसे बुक्स का सेट मंगवाया था, वो मैंने ऑर्डर कर रखा है आपको, तब वो बता रही थी कि वो सुबह का सेशन पूरा 8 बजे तक देखती है, वो खाना बनाने के हिसाब से उठ जाती है, लेकिन वो आराम से बैठ के कर रही है सेशन, बोली बहुत आराम मिल रहा है मुझको। और मैंने उनको बम की माला भी बताई थी, तो वो बम की माला भी कर रही है और 14वां श्लोक कर रही है, और अभी अपने साथ 45वां श्लोक कर रही है। अभी पम बीजाक्षर 45 नंबर श्लोक शुरू करके हमें ज्यादा दिन नहीं हुए, 7 दिन ही हुए हैं। हाँ वो 1 तारीख से वो ज्वाइन है इससे। और इतनी अच्छी कैंडिडेट हमारे साथ। हाँ उनको बहुत आराम है और वो आराम से बैठ रही है तो स्टेशन में। कल बोल रही थी कि सीमा जी मुझे बहुत आराम है, मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, तो धन्यवाद दे रही थी, मैंने कहा धन्यवाद नहीं, आप इससे 10 जनों को और जोड़िए। शाम को आप लोग आज स्टेशन में शाम को अपनी केस स्टडी जरूर बताइए। और सुमन जी, सुमन शाम को जुड़े हैं कि नहीं? सुमन जी हाँ मैं जुड़ी हुई हूँ, सीमा है मेरा नाम। नहीं ये अपने एक सुमन जी से भी मैं पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, ये शाम को जुड़े कि नहीं, इनको भी शाम को केस स्टडी में लेंगे आज इंदौर के प्रोग्राम में शाम को। सुमन जी हाँ शाम को बैठते हो क्या? हाँ बिल्कुल 100%, आज तो वैसे भी पिंडस ध्यान है मेरा फेवरेट। हाँ ना दीदी, मैं ये कह रही थी दीदी मुझे व्हाट्सएप नंबर पे ऐड कर लीजिए, ताकि मुझे पता चले कब आपका नया जो है हीलिंग का, और इसका मुझे PhD करना भी है आगे, ठीक है मुझे उसकी न्यूज मिलती रहे। हाँ ठीक है। मैं ये कह रही हूँ आप तो ज्ञान के साथ सबको नाचना भी सिखा दिया, गाना भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा रहे हो। जिसको नाचना नहीं आता वो नाचने भी लगा, मैं यही देखती हूँ, मैं तो मतलब अधिकतर देखती रह जाती हूँ सबको, मुझे सबको खुश देख के बहुत खुश लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मैं सोचती आप सबको कितना खुशी दे रहे हो, मैं भी ऐसे ही बन जाऊ काश। बिल्कुल, कल सवाल आया था शाम के सेशन में, कौन सा बीजाक्षर कि हम आप जैसे बन जाते। नहीं नहीं मैं कल भी देखा था, परसों भी देखा था, मैं तो वैसे आपका अटेंड ही करती हूँ, मुझे बीजाक्षर वाली वो तो बुक भी है, मैं आपको मैसेज कर दूंगी। नहीं कल के सेशन में शाम को एक ने पूछा था क्वेश्चन कि हम कौन सा बीजाक्षर पढ़े कि आपके जैसे बन जाए। अच्छा। मैंने कहा पढ़िए मुझे माँ से, मैं सब माँ बीजाक्षर पढ़िए, मैंने माँ से माँ से। बिल्कुल 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 100% माँ बीजाक्षर। नहीं अभी यही बात है कि अभी कोई क्वेश्चन भी करता है कि कितना सुख है कितना दुख है, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे लगता है सब सुख ही सुख है, सब कुछ सही है। ये सेशन अटेंड करने के बाद मुझे मुझे मतलब दुख की अनुभूति नहीं होती, कोई भी चीज हो रही है ठीक है, हो गई चली जाएगी चली जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, आपकी बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, बस आपका साथ बना रहे। बिल्कुल, हम तो छोड़ने वाले नहीं है, हम तो बोलते और जुड़ो हमसे, हमारे पल्लू हम बढ़ा लेंगे ना, हमारे साड़ी के पल्लू छोर बढ़ा लेंगे, हम तो बोलते और लोग जुड़ो हमसे। साउंड थोड़ी कम आ रही है दीदी आपके। हाँ साउंड कम आ रही है, एक्चुअली साउंड कम आ रही है। जी डिस्चार्ज हो गया होगा मेरा माइक। चलिए सेशन को एंड करेंगे। बिल्कुल शाम को मिलते हैं दीदी, शाम को आपके साथ पिंडस ध्यान करेंगे, पिंडस ध्यान का सेशन, सभी लोग जुड़िए और वहीं पे एक्सपीरियंस शेयर करिए सभी लोग अपने। शाम को ध्यान के बाद सबके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे ऐड कर लीजिएगा दीदी, डाल लीजिए ना मेरे इस पे व्हाट्सएप डाल दीजिए कि मुझे ऐड करिए। ठीक है मैंने वीडियो वैसे भेज दी है बेटे के नाम से बना के, भैया ने शायद देख भी लिया है इसको। ठीक है दीदी, जिनको तो सुने ही नहीं है।
भक्ति के विषय में बड़े बड़े व्याख्यान करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले बहुत बिरले लोग होते हैं। और जो मैंने पूर्व में कहा था कि वो आपको डूबे हुए मिलेंगे, और अगर कभी मिल जाए तो कभी मन में ये विचार लाने का प्रयत्न नहीं करना। दीदी आप अपने को स्पॉटलाइट पर लीजिए, मैं लू क्या? थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू। हाँ अब स्टेशन करने थे। अच्छा मानतुम स्वामी कितनी बड़ी बात थी। माइक ऑन है, देखूं किसका आवाज आ रहा है। सुंदरी का बता रहा है भक्ति का, बहुत अच्छा लग रहा, तो वही सुनने लगी थी मैं, तो एंड नहीं किया था मैंने। अच्छा लग रहा है, कहाँ से आवाज आ रही थी, किसके यहाँ बज रहा था, कहाँ से आवाज आ रही थी? आई थिंक सुमन दीदी के यहीं से बज रहा था। नहीं नहीं हमारे यहाँ से नहीं, हमारे यहाँ शांति है बिल्कुल। माइक तो और किसी का, तुम की आवाज लग रही है ध्यान सागर महाराज जी के। हाँ ध्यान सागर महाराज जी की आवाज लग रही है। मेरा माइक ऑन है, आपका है और उनका माइक ऑन है। उषा दीदी आपका बज रहा था क्या? उषा दीदी का, चलिए वो दूसरे भी डिवाइस पे होंगे। हाँ चलिए एंड करते हैं, हम लीव करते हैं। हाँ तो दीदी ठीक है, आज के बहुत ही सुंदर सेशन के बाद में अब आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया है। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, ध्यान रखिएगा। और रात का सेशन अर्चना दीदी का बहुत ही सुंदर पिंडस्थ ध्यान का है, उसको मिस मत करिएगा। और मैंने आईवीएस सीलिंग सेंटर की वापस आपको मैसेज भेज दिया है फॉर्म का, वो फॉर्म जितना ज्यादा हो आप सर्कुलेट करिए, क्योंकि आप सभी वो माध्यम है जो औरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो आप सभी से पुनः पुनः निवेदन करते हुए अभी के लिए विदा लेते हैं। आपका दिन मंगल हो, शुभ हो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।